हेलो एवरीवन, आज थोड़ा लीक से हट के डिस्कशन है हमारा कम्प्लीटली। अब हम हार्डवेयर पोर्शन पे आते हैं। जो हम सीपीयू कैबिनेट देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर में, जो कंप्लीट होता है, जो कंप्यूटर हम दिखता है फिजिकली हमें कीबोर्ड दिखता है, माउस दिखता है, मॉनिटर दिखता है, एक बॉक्स दिखता है जिसको सीपीयू बॉक्स बोलते हैं या सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं। तो जो सीपीयू बॉक्स है उसमें सिर्फ सीपीयू ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ सीपीयू हुआ करता था उसमें, और सब चीज़ें बाहर लगी रहती थी। कंप्लीट शुरू कंप्यूटर बने रहे होंगे तो इसलिए सीपीयू बोलते हैं। तो नाम पॉपुलर हो गया तो इसलिए अभी अभी भी सीपीयू ही बोलते हैं। इस मिसनूमर है, बट इट्स एक्चुअली सीपीयू कैबिनेट या फिर सीपीयू बॉक्स है वो। तो कंप्यूटर कैबिनेट कह सकते हैं उसे। कंप्यूटर कैबिनेट है, ज़्यादा लॉजिकल नेम उसका कंप्यूटर कैबिनेट है। तो कंप्यूटर कैबिनेट या फिर जो सीपीयू बॉक्स है, तो उसके अंदर सीपीयू के अलावा भी बहुत से पार्ट होते हैं। क्या क्या है सीपीयू बॉक्स के अंदर या कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर, क्या क्या पोर्शंस होते हैं, और डे टू डे लाइफ में हम कई टर्म सुनते भी रहते हैं, वो क्या है एक्चुअली। हमारा पूरे कोर्स का जो हमारा कंप्लीट टारगेट भी है, कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको सभी टर्म, बेसिक टर्म्स जितने हैं उससे आप फेमिलियर हो जाएं कंप्यूटर से रिलेटेड। मोस्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जितनी चीज़ें बेसिक टर्म्स आप जानते रहें। कुछ चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, नाम फिर भी रहता है लिटरेचर में, वो भी जाने, या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं उसको भी जाने, और क्या नया आने वाला है वो भी जाने। तो पूरा कंप्लीट हमारा है। तो पूरी तरह फाउंडेशन हमें बनाना है जिसपे आप बिल्डिंग बना सकें, ठीक है। अच्छी बिल्डिंग मीन्स अच्छी नॉलेज गेन कर सकें, ग्रो विथ टेक्नोलॉजी कर सकें। तो ये पूरी तरह फाउंडेशन बेस्ड है, फंडामेंटल सब कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे हैं। फिर इसके डिटेल में भी हर जगह हम थोड़ा थोड़ा बता भी रहे हैं, और डिटेल में भी इसे कंटिन्यूसली हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हम जब इनसाइड कंप्यूटर कैबिनेट की बात करेंगे, क्या क्या कंप्यूटर कैबिनेट में पाया जाता है, कौन कौन से पोर्शन है, पार्ट्स है, पूरा कंप्लीट यही डिस्कशन है आज का। हार्डवेयर साइड कंप्लीट डिस्कशन है, यू कैन से। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंप्यूटर कैबिनेट में, पावर सप्लाई। एक पावर सप्लाई के लिए छोटा सा बॉक्स होता है पूरा कंप्यूटर कैबिनेट में। हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करेंगे पूरा उसी के कॉन्टेक्स्ट में। फिर उसी का लाइट वेट लैपटॉप में आता है या फिर और जगहों पर आता चला जाता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर के ही केस में हम डिस्कस करेंगे। तो पावर सप्लाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पावर सप्लाई के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर में SNPS होता है, स्विच डिमोड पावर सप्लाई। क्योंकि पूरा जो सप्लाई होती है, नॉर्मल जो पावर हमें देते हैं AC करंट का, वहाँ से स्विच डिमोड में आता है, SNPS में आता है। SNPS एक होता है पावर सप्लाई का जो बॉक्स होता है, छोटा सा पावर हाउस जिसको बोलते हैं। वहाँ पे एग्जास्ट फैन भी होता है क्योंकि हीटिंग भी बहुत जनरेट होगी, तो SNPS एक लगा होता है। आप कभी कंप्यूटर ओपन करके देखेंगे तो SNPS आपको दिख जाएगा। तो ये पहला कंपोनेंट जो है, जो कि इस कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर है, वो है आपका SNPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SNPS, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मदरबोर्ड। फादरबोर्ड जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड मीन्स एक ऐसा फ्रेम, पूरा कंप्लीट सेटअप जिसके ऊपर सभी डिवाइसेज माउंटेड हो, जितना भी CPU हो गया और जितने रिसोर्सेज कंप्यूटिंग के हैं कंप्लीट, सब कुछ उसी के ऊपर माउंटेड है, वहीं पे फिक्स किए गए हैं। वो मदरबोर्ड है कंप्लीट, उसी के ऊपर सब सेट किया गया है। कैबिनेट है उसके अंदर मदरबोर्ड, ये इवन सुपर कंप्यूटर भी जब होता है कंप्लीट, तो वॉल माउंटेड मदरबोर्ड होता है, वॉल पे मदरबोर्ड होता है, उसी पे डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह सब जितने भी स्लॉट्स हैं प्रोसेसर्स के, हार्ड डिस्क के, मेमोरी के, सभी स्लॉट्स वहीं पर लगे होते हैं, उसी में सेटअप करते हैं। तो एक मदरबोर्ड कंप्लीट होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि सब मदरबोर्ड। और दूसरा, मदरबोर्ड के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इस तरह से मदरबोर्ड सेलेक्ट करते हैं कि जो लेटेस्ट जितनी चीज़ें वो प्रोसेसर्स हों और स्लॉट्स हों, सब न्यू फीचर्स जो ऐड कर रहा है वो सब इसको सपोर्ट करता रहे। तो मदरबोर्ड के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, वो कई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें, वो डिपेंड करता है जो दो तीन फैक्टर्स पे। एक फॉर्म फैक्टर होता है मदरबोर्ड के लिए आपका, एक चिप सेट होता है या फिर टाइप ऑफ प्रोसेसर सॉकेट, इसी बेसिस पे मदरबोर्ड का एक पूरा आर्किटेक्चर बनता है कंप्लीट। तो जो इसका डायमेंशन आर्किटेक्चर कितने एरिया में है, वो किस तरह से डिफरेंट स्लॉट्स दे रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो इस जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, वो ATX बेस्ड होती है मोस्टली, दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंडेड या एक्सटेंशन होता है ये, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन ATX बेस्ड होता है कंप्लीट, जो मदरबोर्ड होते हैं। तो मदरबोर्ड बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इंटेल का पूरा कंप्लीट सेटअप होता है वो, उसके साथ वो चिपसेट एक होता है। चिपसेट का रोल होता है टू कोऑर्डिनेट ऑल द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जितने कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं उनके बीच कम्युनिकेशन का पूरा कोऑर्डिनेशन चिपसेट ही करता है कंप्लीट, जो मदरबोर्ड के ऊपर होता है।
पूरा कंप्लीट सेट होता है, तो वो चिपसेट होता है उसका भी, जैसे इंटेल 8103 या फिर इस तरह के चिपसेट्स होते हैं, चिपसेट के साथ कंपेटिबिलिटी होती है, मींस ये चिपसेट है तो इतने तक रैम सपोर्ट करेगा, इतने तक ये सपोर्ट करेगा, अपवर्ड कंपेटिबिलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। इसलिए जब भी कंप्यूटर से मार्केट से हम परचेज करते हैं कंप्यूटर, तो उस समय लेटेस्ट चिपसेट का लेते हैं, जिससे कि जो न्यू फीचर्स आने वाले हैं वो भी उस स्लॉट्स में, जो एक्सपेंशन स्लॉट्स में है वो अटैच किए जा सकें, नई चीज़ें लगाई जा सकें। अदरवाइज ओल्ड चिपसेट वाले जो वैल्यू, जो कंप्लीट सेटअप है, तो उसमें हो सकता है नया टाइप का रैम न लगता हो या और भी चीज़ें लगती हों, जैसे DDR4 रैम आ गया है तो हो सकता है DDR4 को सपोर्ट न करता हो या फिर कुछ और न सपोर्ट करता हो, तो उस चिपसेट के साथ कंपेटिबिलिटी होती है कि वो किस किस को सपोर्ट करेगा, कहाँ तक एक्सपेंडेबल है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो वो चिपसेट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए कंपनीज हैं, कई आसूस है एक बहुत पॉपुलर कंपनी, इंटेल है, सबके चिपसेट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो वो है। और प्रोसेसर का सॉकेट भी दो तरह का होता है, एक पूरी तरह से स्क्वायर सॉकेट होता है, एक वर्टिकल होता है, उस पर सेटअप करते हैं। तो ये डेस्कटॉप में दो तीन तरह से आते हैं और दो तीन टाइप के इसमें सॉकेट्स यूज किए जाते हैं, इसी के बेसिस पे मदरबोर्ड डिसाइड होता है कि किस किस तरह का चिपसेट होगा ये। तो ये तीन फैक्टर्स हैं इसमें, फॉर्म फैक्टर आपका, चिपसेट और टाइप ऑफ प्रोसेसर सॉकेट, इसके बेसिस पे मदरबोर्ड डिसाइड होता है कौन सा मदरबोर्ड यूज किया गया है। उस पर मदरबोर्ड कंप्राइजेज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द स्लॉट्स ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जितने हैं सबको कंप्राइज करता है, सबके लिए स्लॉट्स देता है, गिवन सब डिफरेंट टाइप का पोर्ट, सब कुछ माउंटेड होता है, एवरीथिंग माउंटेड ऑन मदरबोर्ड ओनली। ठीक है, अब इसमें जो मदरबोर्ड पे और माउंटेड होता है, इसमें से एक मेजर कंपोनेंट मदरबोर्ड पे होता है बायोस। BIOS दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि बूटिंग के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टोर्ड होता है BIOS में। फैक्ट्री सेटिंग पूरी, क्या क्या इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो रोम में होता है जो परमानेंटली चलता रहता है, परमानेंटली स्टोरेज होता है रीड ओनली मेमोरी में, BIOS स्टोर्ड होता है। वो अल्टीमेटली फिर बूट स्ट्रैप लोडर को इन्वोक करता है BIOS, जिससे कि OS हार्ड डिस्क से इसमें लोड हो। तो ये BIOS का वर्क है। अब इसके अलावा ये भी होता है कि हम कंप्यूटर सट डाउन कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं घड़ी के टाइम में कोई अंतर नहीं, क्लॉक जो चल रही होती है वो न्यू टाइम अपना बता देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक बटन टाइप की बैटरी होती है जिसको बोलते हैं CMOS बैटरी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। वो बैटरी कंटिन्यूस चलती रहती है, जैसे CPU की क्लॉक्स गवर्न होती हैं वो कंटिन्यूस चलती है, इसलिए टाइमिंग हमारे हमेशा मेंटेन होती है, क्लॉक बेस्ड होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है क्लॉक से। ठीक है, तो शट डाउन होने के बाद भी उस बैटरी से गवर्न होता है, तो इसलिए कई दिन हम कंप्यूटर नहीं चलाएंगे, फिर से ऑन करेंगे। तो कई बार ये भी होता है, प्रॉब्लम आती है कभी, कई बार कि क्लॉक्स वगैरह टाइम वगैरह क्या करते हैं कि अपडेट नहीं हो पाता, किसी किसी कंप्यूटर में देखते हैं कि टाइम गड़बड़ हो जा रहा है इस तरह से, तो कई बार होता है बैटरी लो हो जाती है, तो इसलिए CMOS की बैटरी जो होती है चेंज कर देते हैं, तो फिर से टाइमिंग ठीक हो जाती है। हमने पता शट डाउन किया, टाइम सेट करके सही चल रहा है, शट डाउन के बाद शट डाउन कर दिया, शट डाउन से पहले हमने टाइमिंग सेट किया था, लेकिन शट डाउन के बाद फिर से ऑन करते हैं एक आध घंटे दो घंटे बाद, तो फिर देखते हैं कुछ टाइम बदल गया है, तो टाइम पुराना ही बता रहा है। तो वो इसलिए होता है कि CMOS बैटरी लो हो जाती है, तो कई बार चेंज करना पड़ता है 2-4 साल पे, हालांकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिन चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये CMOS बैटरी का रोल हो, ये भी माउंटेड होता है मदरबोर्ड पे। BIOS जो कि रोम होता है, रोम का पोर्शन है, रोम में स्टोर्ड होता है रीड ओनली मेमोरी में, और CMOS बैटरी ये मदरबोर्ड पे माउंटेड होता है, जो बेसिक सेटअप है मदरबोर्ड का। ये दूसरा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर है, फर्स्ट आपका SMPS पावर सप्लाई था, सेकंड मदरबोर्ड। नेक्स्ट कंपोनेंट्स इसके बाद जब इन दोनों के अलावा जो होते हैं पोर्ट्स होते हैं डिफरेंट, और इंटरफेसेज होते हैं। ठीक है, पोर्ट में जब हम आएंगे तो इसके और डिटेल में पोर्ट्स के भी जाएंगे हम। सीरियल पोर्ट फर्स्ट पोर्ट है आपका, सीरियल पोर्ट जो ओल्ड पेरिफेरल्स हैं उनको कनेक्ट करने के काम आते हैं, ओल्ड पेरिफेरल्स के लिए। और पैरेलल पोर्ट जो आपका होता है वो ओल्ड प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो जो ओल्ड पेरिफेरल्स या ओल्ड प्रिंटर्स कनेक्ट करेंगे, सीरियल पोर्ट में 1 बिट एट अ टाइम, 1 बिट का पूरा कनेक्शन होता है, या फिर पैरेलल में इकट्ठे 4 बिट 8 बिट 16 बिट, इस तरह से नंबर ऑफ बिट्स एक साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये ओल्ड पेरिफेरल्स में, अभी नए पेरिफेरल्स में ये ऑब्सोलीट हो चुका है, बहुत कम ही कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। USB पोर्ट्स होते हैं, न्यूअर पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने काम आते हैं। USB में कई स्टैंडर्ड्स हैं, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, आजकल आप देख रहे होंगे, सबके वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई हाफ डुप्लेक्स कोई फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में है। तो इसकी डिटेलिंग हम अभी नहीं जा रहे हैं, हमें फंडामेंटली बताना है, तो हम फिर एक कोई और क्लास लेंगे जिसमें डिफरेंट पोर्ट्स में
का डिटेल भी हम बताएंगे, कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज करते हैं, यूएसबी 3.0 में क्या है, वो फुल डुप्लेक्स है तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है, क्यों हायर स्पीड का यूज होता है वो, तो ये सब पोर्शन एक अलग डिस्कशन में रहेगा हमारा, तब वहाँ पर हम बताएंगे आपको। हाँ, तो यूएसबी पोर्ट है जो जो टाइप्स हैं इसके, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी स्टैंड पर, तो यूएसबी पोर्ट्स न्यूअर पेरीफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट आजकल सभी पेरीफेरल्स इसी से कनेक्ट हो जा रहे हैं, यूएसबी बेस्ड आ गए हैं ज़्यादा। फायर वायर है, फायर वायर भी एक स्टैंडर्ड है, इसको भी डिफाइन किया है IEEE ने, इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, IEEE बोलते हैं जिसको, IEEE 1394 स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं। ऐसे कई स्टैंडर्ड सभी के बन हो गए हैं, चलिए वो डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं कौन सा स्टैंडर्ड है, अभी बस ये जानिए कि हायर स्पीड के लिए होता है, बहुत ज़्यादा फास्टर ट्रांसमिशन करना है आपको, ट्रांसफ़र करना है डेटा, वहाँ पे वीडियो कैमरा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इन सब के लिए यूज़ करते हैं इसको, फायरवायर को। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका RJ45, अगर आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर, अकेला तो है, जब दूसरी दुनिया से कनेक्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्क पे आ जाता है, तो वहाँ पे NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है मदरबोर्ड में, वो RJ45 कनेक्टर से कनेक्टेड होता है। RJ45 कनेक्टर, या फिर इसे इथरनेट पोर्ट बोलते हैं, या फिर इसी को LAN का पोर्ट बोलते हैं, लोकली हमें कहीं कनेक्ट करने के लिए आता है तो एक वायर आता है जो RJ45 में कनेक्ट होगा। RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक 45, RJ45। तो जो RJ45 आपका कनेक्टर होता है, रजिस्टर्ड जैक 45, इसी के लिए काम आता है, तो ये इथरनेट पोर्ट या फिर इसके लिए लैन पोर्ट के लिए, लाइनिंग के काम आता है, और सब सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए UTP STP केबल्स कनेक्ट होती हैं। केबल्स कौन कौन से होते हैं वो सब तो फिर अलग डिस्कशन है, नेटवर्क वाला पोर्शन हम जब कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बाद, तो वो उसमें हम फिर बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स कैसे कैसे कनेक्ट होती हैं। अभी के लिए बस ये है आपके लिए कि एक पोर्ट है RJ45 या इथरनेट पोर्ट या फिर लैन पोर्ट, RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। तो RJ45 कनेक्टर थ्रू इंटरनेट से हम कनेक्ट होंगे, पोर्ट लगा होता है। नेक्स्ट है VGA, वीडियो ग्राफिक्स अडैप्टर, जो मॉनिटर के लिए यूज करते हैं, ग्राफिक्स अडैप्टर होता है VGA, ये इनबिल्ट अभी आजकल आ रहा है VGA का कंप्लीट पोर्ट। पहले क्या होता था, जब असेंबल हम कंप्यूटर कराते थे तो VGA कार्ड अलग से परचेज करना पड़ता था, जब असेंबली होती थी, ये अराउंड जब असेंबली होती थी 2005 के पहले तक इस तरह से यूज होता था, अभी आजकल सब इनबिल्ट हो गया है, सभी मदरबोर्ड में इनबिल्ट आने लगा है, चाहे ग्राफिक्स का कार्ड हो और चाहे साउंड का कार्ड हो, सब ये सब इनबिल्ट आने लगा। पहले इनबिल्ट नहीं होता था, अलग से कार्ड लगाना पड़ता था असेंबल करते समय कंप्यूटर, अलग से स्लॉट्स होते थे, अभी ये सब इनबिल्ट हैं, ये मॉनिटर के लिए होगा। फिर ऑडियो प्लग्स होते हैं आपका, लाइन इन लाइन आउट, माइक्रोफोन स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने के लिए, ये सब 3 पॉइंट होते ही हैं। PS2 होता है आपका माउस और कीबोर्ड के लिए, आजकल PS2 नहीं यूज करके USB टाइप के हो गए हैं सब, PS2 माउस और कीबोर्ड के लिए यूज होता रहा है पुराना ओल्ड डिवाइसेज में। SCSI पोर्ट होता है, SCSI पोर्ट जिसको बोलते हैं, ये हार्ड डिस्क और नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, ये कंप्लीट कनेक्ट करने का काम आता है। ये दीज आर द डिफरेंट पोर्ट्स एंड इंटरफेसेस इनसाइड द कंप्यूटर कैबिनेट, ये पोर्ट्स और इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं, कुछ हमारे काम का होता है हम यूज करते हैं, कुछ यूज नहीं हो पाते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे यूज करते हैं, कुछ नहीं, कुछ ऑब्सोलीट हो चुके हैं, कुछ उसको रिप्लेस करके नई चीज़ें आ चुकी हैं, सब उसी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ अभी भी कंप्लीट रिलेवेंस है उनका, अभी उसी तरह से यूज करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स का सीधा सीधा पर्पज है कि नई चीज़ों को हम अपने आप न्यू फीचर्स को ऐड कर सकें। जैसे आपने अपने मदरबोर्ड पे TV ट्यूनर का कार्ड लगा लिया, TV भी चल गया, मॉनिटर जो आपका TV की तरह, तो मदरबोर्ड से कर लिया, इस तरह के कुछ भी नए फीचर्स आपको ऐड करना है। अभी मुझे याद है कि मैंने नए कंप्यूटर में कभी NIC का कार्ड लगा के लाइन से कनेक्ट किया था, लाइन का फीचर्स नहीं था उसमें अलग से, TV ट्यूनर लगाया था, TV चलाई थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, ये तो हमने पुराना बताया जो ऐड करते हैं, और भी नए फीचर्स आप इसमें कर सकते हैं, इसीलिए होता है एक्सपेंशन पोर्ट। तो उसमें जो स्लॉट होता है, एक होता है ISA, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर होता है, ISA बोलते हैं उसको स्लॉट, ठीक है। ये एक मॉडम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम आता है, मॉडम्स कनेक्ट कर दिया नेट से हमने, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कनेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट। PCI होता है आपका स्लॉट, PCI स्टैंड्स फॉर पेरीफेरल कनेक्शन इंटरफेस, तो पेरीफेरल से समझ में आ रहा है बाहर के कनेक्शंस के लिए है, तो ये ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स को कनेक्ट करने के लिए PCI काम आता है। फिर AGP कार्ड जो होता है, ग्राफिक्स कार्ड के लिए गेमिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, तो ग्राफिक्स ज़्यादा बढ़ाना होता है, तो AGP का स्लॉट होता है एक्सटेंशन, फास्ट पोर्ट होता है ग्राफिक्स के लिए, गेमिंग वगैरह बहुत, या फिर बहुत ज़्यादा AutoCAD या ऐसे लैंग्वेजेज जहाँ पर ज़्यादा ग्राफिक्स की ज़रूरत है, MATLAB ऐसी जगहों पर AGP कार्ड ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कई बार ऐसे कंप्लीट एप्लीकेशंस में। PCI एक्सप्रेस, PCI का ही एक्सटेंडेड है जो फास्टर स्पीड का होता है, वो AGP PCI या इससे भी ज़्यादा फास्ट होता है। PC कार्ड ज़्यादा करके लैपटॉप में यूज होता है,
जिस जो कि वाईफाई नेटवर्क ये सब चीज़ें वाईफाई रिसीवर इन सब के काम आता है, एक्सटर्नल मॉडम कनेक्ट करने का आता है। ये एक्सपेंसिव स्लॉट्स हैं, वो अभी चेंज होते होते और भी ज़्यादा चेंज होके आ चुका है कई जगह एक्सपेंड करने का। और सभी तरह के डिवाइसेज यूएसबी या फिर इस तरह से प्लग एंड प्ले डिवाइसेज में कन्वर्ट हो गए हैं, ऑटोमेटिक इनके ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होते हैं और बेटर फीचर्स के आ गए हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा और कि आपको जो कैबिनेट में देखने को मिलता है रिबन्स देखते हैं, अभी आजकल वो अब नहीं कब दिखता है क्योंकि रिबन्स रिप्लेस हो गया। ये पूरी पतली वाइट कलर की लाइंस होती हैं इतनी चौड़ी सी लगभग, तो उसी रिबन से सब कनेक्ट होता है कंप्लीट। वो रिबन्स सभी पेरिफेरल्स कनेक्ट होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, फ्लॉपी या फिर और पोर्शन से होते हैं, उसी रिबन्स के थ्रू वो ग्रुप ऑफ वायर्स है बस, मतलब यहाँ से वहाँ तक डेटा ट्रांसफ़र के लिए उसे यूज करते हैं बाहर का। और जो इंटरनल जो आपका इनबिल्ट होता है वो सिस्टम बस तो होता ही है, एक्सपेंशन बस भी होता है इनबिल्ट, लेकिन इसके अलावा ये इनबिल्ट के अलावा जो चीज़ें हैं ये सब कंप्लीट इसमें होता है आपका रिबन्स में। लेकिन ये भी रिप्लेस हो गया है अभी साटा वाले हार्ड डिस्क से, बाद में साटा का हार्ड डिस्क आने लगा। साटा स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो ये साटा वाले पतले से आने लगे और थोड़ा सा आसान उस तरह के आने लगे। ई साटा भी आ गया, एक्सटर्नल साटा बोलते हैं जिसको, एक्सटर्नल सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ से भी काफ़ी रिबन्स केबल को आजकल रिप्लेस कर दिया है, ये सब आ गए हैं कंप्लीट कनेक्ट करने के लिए, बहुत आसान और सब एक जैसे आ गए हैं, बहुत आसानी से इसे करते हैं। इस ये रिबन कॉर्ड केबल्स के अलावा जो कैबिनेट में हमें दिखाई पड़ता है वो होता है मेमोरी का चिप्स। मेमोरी चिप्स दो तरह के होते हैं, SIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, DIMM दैट इज डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो पेंटियम 4 ऑनवर्ड DIMM ही मैक्सिमम होता है, उसके पहले तक के प्रोसेसर्स में ज़्यादा करके SIMM ही होता था, अभी उसके बाद से ज़्यादा हाई स्पीड का हो जाता है और ज़्यादा कैपेसिटी एक साथ उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो DIMM बेस्ड ज़्यादा हो गया, डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल ही यूज करते हैं मेमोरी चिप्स के लिए, जो स्लॉट्स होता है रैम वगैरह का कंप्लीट। मेमोरी का मतलब रैम का ही है क्योंकि रोम तो परमानेंटली स्लॉट उसका रहता ही रहता है, वहाँ पे सेट ही होता है, वो बायोस स्टोर्ड होता है, ठीक है। लेकिन रैम के साथ जो लगता है वो DIMM यूज होता है, तो रैम वहाँ पे हम लगा सकते हैं, खांचा बना होता है, स्लॉट्स होता है, वहाँ लगाएंगे सेट करेंगे तो सेट हो जाएगा। तो ये स्लॉट्स जो हैं इसी तरह से होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस के लिए डिफरेंट स्लॉट्स हैं, वो जाके कनेक्ट होता है जो कैबिनेट के अंदर होता है। जैसे स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, डीवीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, कई ऑब्सोलीट हो गई हैं, तो आजकल नए कंप्यूटर्स जो आ रहे हैं डेस्कटॉप में ये सब आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा है, मीन्स ज़रूरत ही नहीं है, आजकल सब काम हो जा रहा है, पेन ड्राइव वगैरह से भी काम हो रहा है, तो सीडी डीवीडी फ्लॉपी फ्लॉपी और सीडी ड्राइव तो दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं डीवीडी दिख जाता है। हार्ड डिस्क का स्लॉट तो रहेगा अंदर रहेगा ही, एक्सटर्नल के लिए दूसरे विकल्प होते हैं, हार्ड डिस्क तो रहता ही अंदर रहेगा ही, लेकिन ये सब मास्टर स्लेव स्कीम में जो होता थे कंप्लीट ये सब है ही नहीं, अब जरूरत नहीं, दी जाता ऑब्सोलीट। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है आपका प्रोसेसर, प्रोसेसर आपका दो तरह का होगा, स्क्वायर वाला हो या फिर वर्टिकल वाला। प्रोसेसर का एक सॉकेट होता है, बड़ी सी लाइंस होती हैं कंप्लीट स्क्वायर शेप का होगा, चारों तरफ पिंस होंगी, इसकी पूरा कनेक्ट होगा, मेन सेंट्रल थीम है। को प्रोसेसर्स भी कई होते हैं प्रोसेसर्स के अलावा, वो भी मदरबोर्ड में होते हैं, वो भी आपको दिख जाएगा। ये कंप्लीट है आपका डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से कंप्यूटर कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस उसी का डिस्क्रिप्शन, क्या क्या यूज़ है थोड़ा बहुत ही, हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताएं क्योंकि फाउंडेशन है। अब इसके हम डिटेल में भी किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोर्ट होते हैं USB में, कई पोर्ट बने हैं तो क्या यूज है सबके, थोड़ा इन सब का डिस्कशन और हम डिटेल में उसे करेंगे। अभी के लिए बस ये कि क्या क्या है अंदर, क्या क्या दिखता है कंप्लीट, तो इसको प्रैक्टिकली आप देखेंगे कभी तो ज़्यादा बेटर वे में दिखेगा, बट यहाँ पर हम थ्योरेटिकली क्या क्या टर्म्स से आप जानते रहेंगे तो कभी प्रैक्टिकली देखेंगे। यू शुड हैव फेमिलियर विथ ऑल दिस टर्म्स राइट नाउ, तो बाद में जब हार्डवेयर देखेंगे आप हार्डवेयर तो फिर आपको आइडिया भी लगेगा हाँ ये पोर्शंस होते हैं, कभी किसी तरह से ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज ठीक है टर्म से कम आप फेमिलियर रहिए, जो टर्मोलॉजीज हैं कंप्यूटर रिलेटेड फाउंडेशन में वो जानना चाहिए, वही पोर्शन हमने यहाँ डिस्कशन किया। और आज के लिए अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, थैंक यू।